पर्सन को अगर आपने ब्रांड बनाने हैं न्यूट्रास्यूटिकल में या फूड सप्लीमेंट में, जो मेजर एक प्रॉब्लम आती है वो डिजाइनिंग पार्ट की। हाय गाइस, मैं हूं अजय का बोझ और वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। बहुत सारे कमेंट आते थे मेरे पास कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या जरूरत होती है, फार्मा में क्या होती है, कॉस्मेटिक्स में क्या होती है, न्यूट्रास्यूटिकल में क्या होती है। आज मैं बात करूंगा न्यूट्रास्यूटिकल से रिलेटेड, कभी फार्मा के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज मैं जिन शख्स से मिलवाने जा रहा हूं उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरक्की करी है, बहुत अच्छी ग्रो करी है और एक अच्छे मुकाम पे हैं। उनकी बहुत अच्छी फैक्ट्री उन्होंने बनाई हुई है, न्यूट्रास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग आजकल करते हैं। पहले उन्होंने फीड सप्लीमेंट से शुरू किया था और अब वो काफी करते हैं, फूड सप्लीमेंट भी करते हैं, आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, काफी चीजें वो करते हैं, तो उस डिटेल में किसी और दिन हम जाएंगे। जो ये वीडियो है ये बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल की, फूड सप्लीमेंट की, डाइटरी सप्लीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हो, अपने नाम से मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे, तो उन्हीं के बारे में आज हम राजीव जी से मिलेंगे जो कि स्पेस हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके फाउंडर है, और उनसे जानेंगे कि उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी को उनसे प्रोडक्ट बनवाना है अपना थर्ड पार्टी बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे। तो आइए चलते हैं। आइए सर से जानते हैं कि किसी पर्सन को अगर आपने ब्रांड बनाने हैं न्यूट्रास्यूटिकल में या फूड सप्लीमेंट में, तो इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जिससे ये किसी भी कंपनी को उनके ब्रांड बना के दे देते हैं। आइए जानते हैं। तो सर, अगर किसी को अपने प्रोडक्ट बनवाने हैं तो बेसिकली आप क्या मांगते हो किसी कंपनी से, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होती है? हमें जब भी कोई मार्केटिंग कंपनी हमारे पास आती है तो मेनली हमें जो मेजर जो चीज़ें हैं उसमें GST नंबर और SSI नंबर ही जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर किसी कंपनी के पास SSI नंबर है और GST नंबर है तो आप उसके ब्रांड मैन्युफैक्चर करके दे देते हो। तो जो मेजर एक प्रॉब्लम आती है वो डिजाइनिंग पार्ट की आती है, क्योंकि बहुत बंदों को लगता है कि उनको डिजाइनिंग भी करानी पड़ेगी और पैकिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसका क्या रहता है आपके पास सिस्टम? उसका हमारे पास डिजाइनर रहते हैं, दो दो डिजाइनर हमने रखे हुए हैं और ये सारा जो मार्केटिंग जो कंपनियाँ होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बाहर की कंपनियाँ या बाहर की पार्टियाँ जो हमारे पास आके यहाँ उससे उनका काम डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए हमने सारा यहाँ बाई मेल या फिर बाई टेलीफोनिकली वो हमसे कॉन्टेक्ट करके और ये सारा डिजाइनिंग का काम हम यहीं से उनका फाइनल कराते हैं। तो जो पैकिंग मटेरियल वगैरह आता है तो वो भी आप ही कराते हो या पार्टी को देना पड़ता है? जो पैकिंग मटेरियल है वो हमारे जो प्रिंटर हैं जिनके साथ हमारे कॉन्टैक्ट हैं वो बहुत जल्दी और बड़ी अच्छी क्वालिटी में मतलब विद इन 10 डेज वो हमें प्रोवाइड करा देते हैं पैकिंग मटेरियल। तो जो आपकी पेमेंट रन की जिसमें वैसे क्या रहती है कि जब आपको किसी का माल बनाना है तो पेमेंट क्या रहती है उनके साथ? पेमेंट सर जैसे हम 30% तो एज एडवांस ही ले लेते हैं ऑर्डर के साथ और रेस्ट पेमेंट हम प्रोडक्ट फाइनल होने के बाद डिस्पैच के टाइम पे लेते हैं। डिस्पैच से पहले पेमेंट एडवांस से फिर आपकी उसके बाद जो रहती है। चलो, ये हमने जाना कि जब अगर किसी को या आपको अपने ब्रांड बनाने हैं तो किस तरह के लाइसेंसेज और सर्टिफिकेशन के साथ आप बनवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी बहुत सारी क्वेरियां यहाँ पे, बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह का कुछ पूछना है, क्वेश्चन मन में आ रहे होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा और आप किस तरह का वीडियो चाहते हो ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं भी जाऊँगा।